जय श्री हरि। देवसैनी एकादशी व्रत कथा। देवसैनी एकादशी व्रत कथा के सुनने से सभी पाप नष्ट होते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आषाढ़ मास की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, ये युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी के जीवन के उद्धार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि देवसैनी एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। ये नरकगामी जीव को भी मुक्ति प्रदान कर देती है। इस व्रत के करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब मैं कथा कहता हूँ। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा थे। बड़े सत्यवादी और प्रतापी थे। अपनी प्रजा के पुत्र की भांति पालन करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान से पूर्ण और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण बड़ी दुखी हो गई। अन्न न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर त्राही त्राही करने लगी। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही थी। इसलिए ही राजन, कोई उपाय बताओ जिससे कष्ट दूर हो। राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और उसी से जीवों का पालन पोषण होता है। मैं तुम लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा को सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती करके कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म के पालन करने पर भी राज्य में अकाल हुआ है। प्रजा बहुत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से कष्ट होता है प्रजा को, ऐसा शास्त्र कहता है। अभी तक मुझे पता नहीं चल सका है। आप कृपा करके मेरे संदेह को दूर करें। ऐसा सुनकर ऋषि बोले, हे राजन, सतयुग सभी युगों में उत्तम है। इसमें धर्म चारों चरण में स्थित हैं। उन्नति होने वाली है। वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण को है। तपस्या ही का अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण वर्षा नहीं हो रही। इसलिए आप भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा, महाराज, मैं निरपराध को नहीं मार सकता। कोई और उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी अर्थात देवसैनी एकादशी है। उसे तुम व्रत विधि पूर्वक करो। इससे वर्षा होगी और उपद्रव का नाश होगा। मुनि के वचन सुन करके देवसैनी एकादशी व्रत किया, जिससे राज्य में वर्षा हुई और सभी प्रकार के सुख हुए। प्रजा भी सुखी हुई। राजा का पाप भी नष्ट हो गया। इस तरह से व्रत करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसकी कथा इस प्रकार भी है कि एक बार निद्रा देवी ने भगवान श्री हरि के समक्ष रहने के लिए बड़ी तपस्या की। भगवान श्री हरि ने कहा कि बोलो, क्या चाहिए? निद्रा देवी ने कहा, प्रभु, मैं आपके साथ निवास करना चाहती हूँ। भगवान ने अपने नेत्रों में स्थान दिया। बोली कि 4 महीने तो कम से कम रहूंगी ही, और चातुर्मास उसी को कहते हैं। इन दिनों में सारे मंगल कार्य बंद हो जाते हैं। केवल भजन पूजन यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि होता है। भगवान का भजन होता है। साधु संत एक जगह रुक करके चातुर्मास 4 महीने तक रहते हैं और इसी कारण से भगवान निद्रा देवी के साथ में 4 महीने निवास करते हैं। इसलिए कोई मंगल कार्य नहीं होता है। जब दोबारा है तब फिर से मंगल कार्य, विवाह, मुंडन संस्कार इत्यादि प्रारंभ होते हैं। इन 4 महीनों में जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं, भगवान श्री हरि उनसे अति प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से भगवान सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। भगवान श्री हरि को तुलसी दल अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य फल ऋतु फल मेवा मिष्ठान जो भी हो श्रद्धा भाव भक्ति से अर्पित करें। रात्रि में जागरण करें, नियम संयम का पालन करें।
भगवान के नाम का संकीर्तन करें। द्वादशी तिथि लगने पर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण करें, इससे भगवान श्रीहरि अति प्रसन्न होते हैं। आप सभी पर भगवान श्रीहरि की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।